झारखंड के नेवी अफसर सूरज दुबे का पार्थिव शरीर रविवार को रांची पहुंचा, जहां सेना के अधिकारियों और जवानों की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस के द्वारा सीधे पलामू के लिए रवाना किया गया। परिजनों के साथ सेना के कुछ अधिकारी पलामू के लिए रवाना हुए। परिजनों ने घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं मौके पर सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने जवान की शहादत पर दुख जाहिर किया, साथ ही महाराष्ट्र पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया है। रास्ते से ही अपहरण हो गया। 3 दिन बोला बेटा मेरा कि चेन्नई में अपहरण करके रखा, और 3 दिन के बाद वो ले गया 4-व्हीलर से पट्टी बांध के और महा जंगल में ले जा कर के हाथ पैर बांध कर और पेट्रोल छिड़क कर और आग लगा दिया। पैसा का डिमांड कर रहा था। मेरा बेटा जब जला के वो लोग चला गया तो ईश्वर शक्ति दिए उसको कि 3 किलोमीटर घने जंगल से उस हालत में उठ के वो गांव में आया है। वो पालघर थाना क्षेत्र में पड़ता है, तो वहाँ ग्रामीण पुलिस को इन्फॉर्म किए हैं और पुलिस आई है और फिर वो मूर्छित हो गया गांव वाले से, और वो वहाँ पुलिस से आधा घंटा तक बातचीत किया है। क्या मांग है आप लोग सरकार से? इसकी न्याय होनी चाहिए और जांच हो, हमारा बेटा का जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय मिले। मुझे और कुछ नहीं कहना है, न्याय मिले केवल। वहीं कल पार्थिव शरीर को कोयला नदी घाट ले जाया गया, जहां करीब 3 बजे गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए उनका अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि नौसेना अधिकारी सूरज दुबे का चेन्नई एयरपोर्ट से अपहरण के बाद महाराष्ट्र के पालघर से जली हुई अवस्था में शरीर मिला था, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रांची से आशुतोष, पंजाब केसरी टीवी।